दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के निर्देश पर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना बारसूर थाना क्षेत्र में मिली थी। इस सूचना पर डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम तुमरी गुंडा कौशलनार और मंगलनार के जंगल पहुंची। इस दौरान कुछ संदिग्ध लोग भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया है। तीनों नक्सली छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण 7 नवंबर को ग्राम मंगनार पोलिंग बूथ को चोरों और से घेर लिया था और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने तीनों गिरफ्तार नक्सलियों पर मामला दर्ज किया है, कोर्ट में पेश कर दिया है। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन से डीआरजी और बस्तर फाइटर्स का संयुक्त बल ग्राम कौशलनार मंगनार की ओर गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुआ था। इस दौरान ग्राम मंगनार के जंगल पहाड़ी में कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर इधर उधर छिपने लगे, भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। इनसे पूछताछ पर इनके द्वारा दिनांक 7/11/2023 को विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राम मंगनार पोलिंग बूथ की चारों ओर से घेर कर फायरिंग करने की घटना बमबारी की घटना में शामिल होना बताया गया है। उपरोक्त माओवादियों के विरुद्ध थाना बारसूर में अपराध क्रमांक 21/23 पंजीबद्ध किया गया। इन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।